अगर अभी तक आपने द विचर सीजन 2 के पहले का 2 एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा द विचर सीजन 2 एपिसोड 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें सीरी को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, पर जो कि सीरी काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रही होती है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। उसे थका हुआ देखकर गेराल्ट उसे प्रैक्टिस रोकने को बोलता है और कहता है कि अब हम कल स्टार्ट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में बाकी के विचर्स को दिखाया जाता है, जो कि गेराल्ट को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एस्कल को मारने के लिए दोषी ठहरा रहे होते हैं। उनकी बातों का कोई जवाब न देके गेराल्ट वेस्मीर के पास उनका खाना लेके जाता है, जहाँ पे वेस्मीर एस्कल की बॉडी पे रिसर्च कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे एस्कल एक लैसी बन गया, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, जिस पर गेराल्ट उन्हें अपनी ये रिसर्च रोकने को बोलता है, क्योंकि अगर कुछ पता लगना होता तो वो अभी तक लग चुका होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें टिस को दिखाया जाता है, जो कि हैवी हार्ट से सडन में मरे हुए मेजिस का एक पेपर में नाम लिख रही होती है, जहाँ पे वो यनिफर का भी नाम लिखती है। और उसके बाद से हमें आर्टूजा में मेजिस की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे सब एल्फ्स की बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो निल्फगार्ड के साथ मिलकर अभी सिंड्रा में रह रहे, और ये उन सब के लिए एक खतरे की निशानी है। और इतने में ही वहाँ यनिफर आ जाती है। यनिफर को वहाँ देख टिस बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद से टिस यनिफर को लो प्रोफाइल रहने को बोलती है, क्योंकि ये उसके और बाकियों के लिए सही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिंट्रा को दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रांसिस्का अपने सेनापति से यह बोल रही होती है कि वह और उनके लोग यहाँ पे सेफ हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीरी को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पे लैम्बर्ट आ जाता है, जो कि सीरी से यह बोलता कि अगर सच में विचर बनना है तो इस ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। और इसके बाद से वह सीरी को रियल विचर ट्रेनिंग कैंप के पास ले जाता है, जहाँ पे सीरी को बहुत चोटें आती हैं। सीन चेंज होता है और हमें गेराल्ट और वेस्मीर को दिखाया जाता है, जो कि एस्कल की बॉडी को अपने पौराणिक जगहों पे रख देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सीन चेंज होता है और हमें यनिफर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पानी को गर्म करने की कोशिश करती है, पर सडन में हुए घटने के बाद वो अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी होती है। और तभी ट्रिस और बाकी के कुछ मेजेस वहाँ आ जाती हैं। ट्रिस को जिंदा देख करके यनिफर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीरी को दिखाया जाता है, जो कि इतनी चोट खाने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं कर रही होती और एक बार फिर चोट खा करके नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रांसिस्का और फ्रिजिला को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रांसिस्का फ्रिजिला से यह बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे शरण इसलिए दे रही क्योंकि तुम्हें आर्मी की ज़रूरत है। इस पर फ्रिजिला यह बोलती है कि मुझे आर्मी की नहीं बल्कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिस पर फ्रांसिस्का फ्रिजिला को अपने बच्चे को दिखाते हुए उससे प्रॉमिस करने को बोलती है कि क्या वह उन्हें और उनके लोगों को रहने के लिए एक घर दे सकती है, जहाँ पे वो एल्फ्स की नई जनरेशन स्टार्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें यनिफर को दिखाया जाता है, जो कि किसी हरी में होती है, कि तभी वहाँ स्टेगबोर आ जाता है और उससे इतनी हरी में होने का कारण पूछता है, और इतने में ही वह उस पर हाथ रख के उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद से हमें यनिफर को बीड़ियों में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये स्टेगबोर यनिफर के दिमाग में मौजूद सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करता है कि आखिर कैसे यनिफर सडन में हुए हमले में बच गई, और अगर बच गई तो वह इतने दिनों तक कहाँ थी, कहीं वह बाकियों के लिए एक खतरा तो नहीं है। और इतने पे ही वहाँ ट्रिस आ जाती है, जो कि यनिफर को स्टेगबोर के चंगुल से बाहर निकालती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गेराल्ट को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर आता है जहाँ पर सीरी ट्रेनिंग कर रही होती है। गेराल्ट को वहाँ देखकर सीरी अपना बेस्ट देने लगती है, बट एंड पॉइंट पे पहुँचने से पहले एक बार फिर वह नीचे गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेगबोर को दिखाया जाता है, जो कि मेजेस की काउंसिल में यनिफर के ऊपर सवाल उठाता है, कौन जाने यनिफर एक ट्रेटर हो और वह आने वाले टाइम में उनके लिए एक खतरा बन जाए। ये सब सुनकर ट्रिस यनिफर के पास आती है और बताती है कि अगर खुद को प्रूफ करना है कि तुम एक स्पाई नहीं हो तो तुम्हें काउंसिल को बताना होगा कि आखिर इतने दिनों तक तुम कहाँ थी, बट यनिफर उसे कुछ नहीं कहती। सीन चेंज होता है और हमें गेराल्ट और सीरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे गेराल्ट सीरी की मरहम पट्टी कर रहा होता है। करने के बाद जब सीरी वहाँ से चली जाती है, तभी गेराल्ट की नज़र सीरी के कमरे की सीलिंग की तरफ जाती है, जहाँ पे पेड़ की कई जड़ें निकल रही होती हैं। जब गेराल्ट उन्हें उखाड़ता है तो पाता है कि सीरी ने वहाँ पे सिंड्रा का फ्लैग रखा होता है, जिसके बाद से वह तुरंत सीरी के पास जाता है और उससे उसकी विजन्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद से सीरी उसे अपने विजन्स में देखी हुई जगह पे गेराल्ट को लेकर जाती है, कि इतने में ही वहाँ पे एक और लैसी आ जाता है और जो कि उन दोनों पे हमला कर देता है, पर अंत में गेराल्ट उसे मारने में सफल हो जाता है और सीरी को बचा लेता। सीन शिफ्ट होता है और हमें यनिफर ट्रिस और बाकी के कुछ मेजर्स को दिखाया जाता है, जो कि आज साहिर के एग्जीक्यूशन में आए होते हैं,
और वहाँ पर नॉर्थ के और सारे किंग्स भी मौजूद होते हैं। और साहिर की एग्जीक्यूशन के लिए कुल्हाड़ी यनिफर को दी जाती है, पर यनिफर साहिर को एग्जीक्यूट ना करके बल्कि उसकी बेड़ियाँ काट देती है। और फिर वो और साहिर वहाँ से एक साथ भाग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।